अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच कीपैड मोबाइल सॉल्यूशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नोकिया 216 और नोकिया 150, इसका ये मेरे पास जो मोबाइल है ये 216 है, इसका फ्रंट कैमरा है और 250 का फ्रंट कैमरा नहीं होता। तो ये अभी मैंने बग़ैर सिम के मोबाइल को ऑन किया है, तो अभी आप देख सकते हैं इसमें कोई कोड नहीं लगा हुआ, कोई सिक्योरिटी कोड नहीं है। तो जब मैं इसमें सिम डाल के इसको ऑन करूंगा तो इस पे एक सिक्योरिटी कोड आ जाएगा। तो दोस्तों, इसको कहते हैं सिम लॉग, यानी कि जो इसमें सिम पहले से डली हुई हो उस पे ये कोड नहीं मांगता। अगर आप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो फिर यहाँ पे सिक्योरिटी कोड आ जाएगा, वो भी एक दफ़ा आएगा, उसके बाद अगर आप सही कोड लगाते हैं तो फिर दोबारा उस सिम पे कोड नहीं आएगा। तो हमने ट्राई किया इसके ऊपर, 1 2 3 4 5 ये कोड एरर आ रहा है, और 0 0 0 ये भी 5 दफ़ा ट्राई कर चुका हूँ मैं, ये भी एरर आ रहा है। तो इसको किस तरह हमने ठीक करना है दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखना है और एंड तक देखनी है वीडियो ताकि आपको समझ आ जाए। तो अब दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर की तरफ, और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा। एक तो ये मेरिकल है, इसको हमने कर लेना है ओपन, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। इसके लिए आपको बॉक्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है। तो आपने इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है और उसके बाद इसको ओपन कर लेना है। दोस्तों, मैंने इसको ओपन कर लिया है, और उसके बाद इसके आते हैं USB ड्राइवर। ये आप देख सकते हैं USB ड्राइवर इसके मेरे पास पड़े हुए हैं, तो आपको इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, तो आपने ये डाउनलोड कर लेने हैं। तो दोस्तों, USB ड्राइवर का क्या कमाल होता है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये मेरिकल, इसको हमने कर लिया ओपन, तो ये यहाँ पे मैं रख देता हूँ। तो इसकी यहाँ पे बूट हमने सिलेक्ट, ये MTK की टैब पे आपने रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो सर्विस लिखी हुई है, सर्विस पे रहने देना है, और यहाँ पे ये रीड के ऊपर जो क्लिक हुई हुई है इसको आपने RD अनलॉक के ऊपर क्लिक करना है। अगर यहाँ पे आपका कोड शो हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं। फॉर्मेट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, और इसके बाद हमने नीचे यहाँ पे बूट कौन सी सिलेक्ट करनी है, 11-10 वाली, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 11-10, आगे 1 है, फिर आगे 11-33 है, फिर 4 है, यानी कि ये वाली आपने नोकिया की बूट सिलेक्ट कर लेनी है, और स्टार्ट का बटन दबाना है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आएगी एक, इसको आपने नो कर देना है। ये तो हो गया फॉर्मेटिंग का सिस्टम। अब हमने मोबाइल कनेक्ट करना है, तो दोस्तों ये आ गए, मैं डिवाइस मैनेजर यहाँ पे शो करवा देता हूँ। तो ये हमारे पास मोबाइल है, इसकी हमने पहले बैटरी निकाल लेनी है और फिर डालनी है, तो उसके बाद इसमें केबल लगानी है। तो दोस्तों, मैं आप देखेंगे जैसे केबल लगाता हूँ तो यहाँ पे इसका एक येलो साइन बना हुआ आएगा यहाँ पे, तो उसका भी मैं तरीका बताता हूँ वो कैसे ख़त्म करना है। ये मैंने केबल लगा दी, तो ये आप देख सकते हैं ये येलो साइन आ गया है, ठीक है, ये थोड़ी देर के लिए आता है फिर चला जाता है, तो उसके बाद आपका ये नोकिया आ जाता है। तो अब हमने इस येलो साइन को किस तरह करना है ख़त्म, ये इसके USB ड्राइवर नहीं हुए हुए इस वजह से ये इस तरह आ रहा है। अब हमने ये दोनों जो फाइल आपको डिस्क्रिप्शन से मिल रही हैं इनको इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों, एक है 64.8 MB की और दूसरी है तकरीबन 6.75 MB की। तो सबसे पहले हम 6 जो ये छोटी फाइल है इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, और ये दूसरी जो फाइल है PC सूट वाली इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये मेरी इंस्टॉल नहीं है इसलिए ये ऑप्शन आ गई है, तो इसको मैं ये सारा इंस्टॉल करता हूँ।
तो अभी दोस्तों ये इंस्टॉल हो गई है, हमने ये चेक का जो निशान है इसके ऊपर ओके कर देना है, ये फिनिश हो जाएगी। तो अब हमने दोबारा ये मैंने फॉर्मेटिंग का आपको तरीका बता दिया था, लेकिन मैं फॉर्मेट नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे पहले इसका कोड चेक कर लेता हूँ। अगर कोड आ जाता है तो फिर हमें फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोगों को नंबर्स चाहिए हुए होते हैं इस मोबाइल में कि उनके नंबर डिलीट ना हो, तो उसकी सूरत में आप RD अनलॉक के ऊपर क्लिक करके नीचे यही वाली बूट 1110 वाली आपने सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे स्टार्ट का बटन दबा देना है। तो उसके बाद अभी आप देखिएगा फिर से येलो साइन आएगा, लेकिन 2-3 दफ़ा इसको हम कनेक्ट करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी दफ़ा इसको ट्राई किया है तो कनेक्ट नहीं हुआ। तो दोस्तों ये हमने अभी केयर सूट फॉर स्टोर जो है इसको डाउनलोड किया है, तो इसको भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसके साथ इस मोबाइल के USB ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएंगे खुद ब खुद, तो फिर हमें मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो ये मैंने इंस्टॉल पे लगा दिया है।
दोस्तों ये अभी आप देख सकते हैं फिनिश का ऑप्शन आ गया है, तो इस पे क्लिक करते हैं। अब हमने RD अनलॉक, वो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हैं स्टार्ट का बटन दबा के, तो अब मैं इसके साथ केबल लगा देता हूँ। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हमारा जो मोबाइल है इसके साथ कनेक्ट हो गया है, और ये थोड़ी देर के बाद हमें कोड बता देगा। तो यहाँ पे अभी कोड तो इसका नहीं आया, दोबारा ट्राई कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों ये आप देख सकते हैं इसका नीचे कोड आ चुका है, तो मैं स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि हमें IMEI नहीं चाहिए। ये इसका कोड आ गया है 55555, तो अब हम इसमें यही कोड लगा के चेक भी कर लेते हैं कि इसका ये कोड ठीक है या गलत है। एक दो तीन चार पाँच, ये पांच दफ़ा मैंने पांच पांच लगा के ये ओके किया है, तो अभी आप देख सकते हैं इसका कोड अनलॉक हो चुका है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AIH कीपैड मोबाइल सॉल्यूशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।